हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज सेंगर डेवलप टेक्निक टू। पूछा गया है कि सेंगर ने टेक्निक डेवलप किया किसके लिए। तो हमें पता है कि सेंगर की अगर हम बात करें तो ये जो फ्रेडरिक सेंगर है, ही डेवलप्ड मेथड, एक तो फॉर डीएनए सिक्वेंसिंग and also to determine the amino acid sequence of protein so यहाँ देख सकते हैं हम कि इन्होंने DNA sequencing का भी method develop किया। इसके अलावा इनको इसके लिए भी credit दिया गया कि इन्होंने मेथड डेवलप किया टू डिटरमाइन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड, ये तो सही है, ये मेथड तो डेवलप किया इसके लिए भी। सीक्वेंस ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए करेक्ट ऑर्डर, ये भी करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि जब यहाँ पर सिक्वेंसिंग करते हैं तो जैसे कि ह्यूमन जीनोम बहुत बड़ा है तो उसको पहले हमें पता है कि उसको फ्रैगमेंट में करना पड़ता है, देन क्लोनिंग करना पड़ता है। तो ईच फ्रैगमेंट जो होंगे क्लोन वाला, उसको जब सिक्वेंसिंग करना होता है तो उसके लिए सेंगर जो मेथड है, सेंगर सिक्वेंसिंग वाला मेथड जो है, इस प्रिंसिपल पे ये यूज़ करते हैं एंड यूज़ करके सिक्वेंस करने के बाद उसको ओवरलैप करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो है ये तो सही दिया है। सो बोथ ए एंड बी, ये तो सही दिया हुआ है यहाँ पे। मेजर्स डेंसिटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ये तो गलत है, बायोमोलिक्यूल के डेंसिटी में यूज़ नहीं होता है, ये दोनों सही है। सो करेक्ट आंसर विल बी दिस थर्ड वन, दैट इज बोथ ए एंड बी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।